ये मूली पराठा बना रहे ना, तो मूली को घसना पड़ता है। मूली में जो कितना पानी है देखिए, उसको निकालना पड़ता है। ये देखिए और तब गरम गरम चटनी के साथ, सॉस के साथ खाइए, दोपहर में खाइएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे, एक हल्का से इसको चलाएंगे, हल्का सा गोल करेंगे। आज क्या बना रहे मम्मी? आज मूली पराठा बना रहे हैं। मूली पराठा बनाने के लिए जो सामान यूज होता है, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। चलिए। हाँ। ये मूली है, 8 पीस मूली है। उसको धो के आप रख दिए? धो के हमने छील के साफ करके रख दिए। और एक गोटा लहसुन है, एक टुकड़ा आपका अदरक है, और 5 पीस हरी मिर्च है, अच्छे साथ उबाला हुआ आलू है। तो हम सबसे पहले कद्दूकस से इनको, मूली को कसेंगे। इनका जो पानी है आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे और पानी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको इससे कद्दूकस से कस देंगे। अभी तो 4 ही मूली एक ही है, कितना पानी है? इतना पानी? हाँ, इसको छान कर फिर एक करना पड़ता, पानी बहुत है, सब खाने में स्वाद लगता है। हो गया मम्मी? हाँ हो गया। देखिए अभी इनका और पूरा देखिए कितना महीन हो गया है, पूरा पानी भी निकला, पानी भी कितना निकला है। अब इसका पानी हम फिर निकालेंगे, ऐसे निचोड़ निचोड़ के, मतलब इस तरह का पानी हम निकालेंगे। पूरा पानी निकला, बहुत पानी है, खेत का मूली है ना, ताजा मूली है तो पानी देखिए, आधा किलो पानी ये निकल गया। महीन कर देंगे, बस ये मसाला भी डालेंगे जाके। मूली से पानी निकाल दिए हैं देखिए। अब इसको हम ऐसे फैला देते हैं, थोड़ा हल्का हल्का फैला देने से क्या है कि गट्टा ना बने। और आलू को भी हम मिस दिए, अच्छी तरह से मिस दिए। अब क्या करेंगे, अब कढ़ाई बैठाएंगे, कढ़ाई बैठाएंगे ऑन किए, कढ़ाई को गरम होने दीजिए, तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालेंगे ताकि स्वाद लगे। मिर्चा लहसुन का जो पेस्ट है अभी का, वो अब हम गरम तेल पे डालते हैं। हल्का सा हल्दी डालते हैं हम, इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे। और कोई मसाला, खाली लहसुन और मिर्चा का जो ये है टेस्ट है, स्वाद है, इस मूली पे आना चाहिए। बहुत कोई लोग देते हैं जीरा धनिया बोल की, वो नहीं देंगे। लाल हो गया ना थोड़ा हल्का, अब हम इसमें ये
बारीक जो किए थे उंगली अब इसमें डालते हैं। इसमें हल्का सा भी नरम है, पानी पानी है ये तो कढ़ाई पे सूख जाएगा गरम गरम। थोड़ा चलाते रहिए सब पानी, अभी भी पानी है देखिए। आटा लिए हैं, हल्का सा नमक देंगे, हल्का नमक देखिए आधा और ये जो जमाइन है थोड़ा कस देते हाथ से, अब ये डाल देते हैं। जैसे साधारण रोटी बनाते हैं ना तो उसी तरह आटा सानेंगे, बस कुछ नहीं, ये भी सिंपल है ये भी साधारण बस। वो कब तक हो रहा है तब तक आटा हाँ। अब ये क्या करेंगे, आलू जो मिश्रित थे इसमें डालते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं, नमक डालने में ये देखिए स्वाद अनुसार। अब इसको हम निकालते हैं गैस को, ये ठंडा हो। ठंडा होने दीजिए तब तक हम क्या करते हैं इस आटा को सानते हैं। बनाते हैं उसी तरह ही आटा, ये आटा सना गया है देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। फिर भी 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देते हैं। नरम हो गया है आटा, ये देखिए। अब इसको हम दो भागों में करते हैं, ये लोइया करेंगे। लोइया करके इसमें ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, बस एकदम मीडियम साइज। अब इस लोइया को हम इस तरह करते हैं, देखिए इसको इस तरह हाथ से दबाएंगे, गोल करेंगे कटोरा जैसा। ये हो गया, अब ये चम्मच से हम इसमें भर दें, इसको साइड से ऐसे ले लेंगे। हो गया, अब इसको हम पूरा ऐसे कर देंगे, गोल कर देंगे, इसको ऐसे गोल
उसको हाथ से थोड़ा ऐसे कि अंदर का जो है मसाला चारों तरफ हो जाए। देखिए देखिए चारों तरफ हो गया है ना। अभी इसमें डालते बनाए। दूसरा लोहिया भी एक बार दिखा देते हैं। दूसरा लोहिया भी इस तरह का भर देते हैं। ये नहीं फूलेगा। देखिए मसाला चारों तरफ आ गया। तब तक हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं। फूल गया। गरम इसी तरह सारा लोहिया बना के और भर के गरम 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 परोसी। ये मूली का पराठा हो गया। इसे गरम गरम चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं और इंजॉय कीजिए। ठंड में ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ ठंडा में ही सब लोग खाते ज्यादा। हाँ। मूली रात के समय नहीं खाना है। ठंडा रहता है। हाँ गरम गरम चलिए। हाँ। खाइए एंजॉय कीजिए। थैंक यू।